नमस्कार, पीबी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जेल नहीं है लॉकडाउन, वुहान से लौटे कश्मीरी छात्र ने पीएम मोदी को बताया अनुभव। लॉकडाउन से दवाओं की सप्लाई का बुरा असर, मरीज हो रहे हैं बेहाल। देश के लिए बड़ी खबर, कोरोना को मात देगा कश्मीर में बना प्रोटोटाइप, वेंटिलेटर की कमी को करेगा खत्म। और उपराज्यपाल मुर्मू का बड़ा ऐलान, कहा कोरोना मरीजों के लिए समर्पित होगा जीएमसी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित चीन के वुहान शहर से भारत लौटे कश्मीरी छात्रों से बात की है। इन छात्रों ने पीएम मोदी के साथ अपना अनुभव साझा किया। पीएम मोदी से फोन पर बात करते हुए उनके एक छात्र ने कहा कि वुहान में जब लॉकडाउन की घोषणा की गई तो मेडिकल का छात्र होने के बावजूद वे बुरी तरह से डर गया था। कश्मीर के बनिहाल में रहने वाले निजामुर रहमान ने पीएम मोदी से बातचीत में भारत सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि वुहान में हालात खराब होते उससे पहले ही भारत सरकार ने उन लोगों को वहां से निकाल लिया। बता दें कि निजामुर रहमान 60 कश्मीरी छात्रों के साथ वुहान से एयर इंडिया के जरिए भारत आया और वे अपने घर अब बनिहाल में हैं। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से लॉकडाउन में दवाओं की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हुई है। यूटी जम्मू कश्मीर में भी अधिकतर केमिस्ट की दुकानों को दवाओं की नई आपूर्ति नहीं मिल पा रही, इससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने दवाओं को आवश्यक वस्तुओं में शामिल किया है। एक और केमिस्ट शॉप के मालिक ने कहा कि दवाओं की सप्लाई को लेकर हमें बहुत समस्या हो रही है, वितरकों के पास जाते हैं तो उनके पास भी स्टॉक नहीं है, मरीजों की मांग को पूरी करना लगभग अब असंभव हो रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमण के बीच वर्तमान में सबसे बड़ी चिंता का विषय देश में वेंटिलेटर की कमी है। इस माहौल में एक उत्साहजनक खबर कश्मीर से आई है। कश्मीर के डॉक्टरों और कई इंजीनियरों की एक टीम ने एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किए हैं जिसमें एक समय में एक वेंटिलेटर से करीब 4 मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सकती है। इस टीम ने एक डॉक्टर के अनुसार एक प्रोटोटाइप का टेस्ट सफल भी रहा है, वेंटिलेटर की कमी भी अब खत्म हो जाएगी। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगातार दूसरे दिन भी कई कदम उठाए। गांधीनगर अस्पताल के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल को डेडिकेट कोविड-19 अस्पताल बनाने का फैसला किया है। यही नहीं, सेवानिवृत्त हुए डॉक्टरों की भी सेवाएं लेने को कहा है। इसमें डॉक्टर को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई सलाहकार समिति की बैठक में कोरोना वायरस से उत्पन्न हुई समिति पर विचार विमर्श भी किया गया। इसमें यह फैसला लिया गया कि राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल को पूरी तरह से कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी पुष्टि सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने भी की है। वार्ड नंबर 35 पलौड़ा के कॉरपोरेटर यशपाल शर्मा ने कोरोना वायरस के खतरे को कम करने के उद्देश्य से अपने वार्ड में एंटीवायरस स्प्रे व फॉगिंग करवाई ताकि वार्ड में कोरोना वायरस का असर ना हो। जम्मू में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस अपना अभियान छेड़े हुए है, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और बिना किसी काम के सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस ने आज भी कई क्षेत्र में ऐसे लोगों को पकड़ा और उनके कान पकड़कर उनसे वादा करवाया कि वे घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और चेतावनी भी दी कि वे घरों से बाहर बेफजूल ना घूमें। जम्मू में लॉकडाउन की वजह से कई लोग जगह जगह फंस गए हैं जो किसी भी तरह से अपने घरों में नहीं जा पा रहे। प्रशासन ने ऐसे लोगों का पता लगाकर आज उन्हें SRTC की बसों से उनके घर को रवाना किया। स्मरण रहे कि लॉकडाउन होने के बाद से बसें बंद हो गई थी और लोग अपने घरों को नहीं जा पाए थे। सिख यूथ ट्रस्ट की तरफ से आज विक्रम चौक में एक मुहिम चलाएगी जिसमें ट्रस्ट ने आने जाने वाली गाड़ियों में एंटीवायरस स्प्रे करवाया और गाड़ियों को सैनिटाइज किया। ये मुहिम ट्रस्ट के प्रधान तेजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में की गई। जम्मू में हुई जोरदार बारिश के बाद आज तवी नदी में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई और इसका जल स्तर बढ़ गया। कल जम्मू में पहाड़ी इलाकों में सारा दिन वे रात काफी बारिश हुई जिससे तवी नदी में आज बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जेल नहीं है लॉकडाउन, वुहान से लौटे कश्मीरी छात्र ने पीएम मोदी को बताया अनुभव। लॉकडाउन से दवाओं की सप्लाई का बुरा असर, मरीज हो रहे हैं बेहाल। देश के लिए बड़ी खबर, कोरोना को मात देगा कश्मीर में बना प्रोटोटाइप, वेंटिलेटर की कमी को करेगा खत्म। और उपराज्यपाल मुर्मू का बड़ा ऐलान, कहा कोरोना मरीजों के लिए समर्पित होगा जीएमसी। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार।